नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप देख रहे हैं केवल सच। मणिपुर के अंदर में जिस प्रकार से पिछले 60 दिनों से जो हिंसा हो रही है और हमारी जिस प्रकार से जो दर्दनाक तस्वीर जो कल ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने देखी, हमारी माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, यह काफी दुखद है। और हम आज भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को दुनिया का लीडर बनाने की बात कर रहे हैं और हम अपनी माताओं और बहनों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। एक आदिवासी जैसे लगता है कि किसी जंगल का वो दृश्य है कि नंगे घुमाया जा रहा है हुजूम में हमारी माताओं बहनों को। मैं मोदी जी से यह अपील करता हूं कि आपको शर्म, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई आपके अंदर में, आप लंबा लंबा वादा और दावा करने का काम कर रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर उस तस्वीर को देख करके शर्म बची हुई है, आपकी सरकार है वहां पर, केंद्र में आपकी सरकार है और आप दुनिया में घूम करके लंबा लंबा बात कर रहे हैं, आप में अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आपने जो कार्य, आपको जिस कार्य के लिए जनता ने बैठाया है मणिपुर और दिल्ली में, आपसे दोनों नहीं संभल रहा है और खुलेआम हमारी माता और बहनों के साथ दरिंदगी करने का काम लोग कर रहे हैं वहां पर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारा दिल पीड़ा से भरा हुआ है और जल्द उस पर कार्रवाई होगी, बच्चे नहीं जाएंगे। वीडियो आया उसके बाद मोदी जी ने मुंह खोला है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जिस ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को इस सच्चाई के बारे में पता चला है, उस ट्विटर को बैन करने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? नरेंद्र मोदी जी मीडिया को खरीदने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बात करेगा उस पर आईटी और सीबीआई का रेड मरवाने का काम कर रहे हैं। ये भारत है, इसने दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को भगवान का भाई समझने का जो अहंकार कर रहे हैं, आपको तुरंत 120 करोड़ भारतवासी इस गद्दी से आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ज्यादा अहंकार में मत रहिए, मातृशक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, मातृशक्ति को नंगा घुमाया जा रहा है इस देश के अंदर में, इससे दुखद क्या हो सकता है। हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इस दौर में जो दुर्दांत तस्वीर हमको देखने को मिली है, एक एक भारतीय का चेहरा आज शर्म से झुक गया है कि हमारे देश में हमारी माताओं बहनों के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। हम क्या भारत में रह रहे हैं कि तालिबान में रह रहे हैं हम? नरेंद्र मोदी जी को अगर शर्म होगी तो इस प्रकार का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए।